नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। कहते हैं वीर कभी मरते नहीं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा है। तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी। कहा गया कि दुर्घटना में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का फिलहाल वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक में दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। बता दें कि जनरल रावत 17 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्हें 31 दिसंबर 2019 को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य के निधन पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और सेना के अन्य अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। सेना ने ट्वीट कर लिखा है कि जनरल विपिन रावत का ओजस्वी एवं प्रेरणादायक नेतृत्व हमेशा हमारी यादों में रहेगा। भारतीय सेना उनके अमूल्य योगदान के लिए हमेशा ऋणी रहेगी। इस बीच नए CDS के नाम पर अब चर्चा भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही नए CDS के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए नाम का ऐलान अगले 7 से 10 दिनों में किया जा सकता है। नियमों के मुताबिक कोई भी कमांडिंग या फ्लैग ऑफिसर इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। जनरल रावत ने जनवरी 2020 में देश के पहले CDS के तौर पर कार्यभार संभाला था। आम तौर पर CDS के लिए ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। CDS के हाथों में तीनों सेना की कमान होती है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे CDS की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। वो फिलहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। विपिन रावत की मौत के बाद सभी नेता, सभी अधिकारी और सेना के अधिकारी नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कार्यकलापों को याद कर रहे हैं। सभी का एक ही कहना है कि विपिन रावत ने अपनी जिम्मेदारी जितने अच्छे से संभाली थी, शायद ही कोई दूसरा उस तरह से संभाल पाएगा। फिलहाल अब अगला CDS कोई भी बने, लेकिन विपिन रावत की शहादत को ताउम्र याद किया जाएगा। इसलिए न्यूज विंग की तरफ से भी CDS विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि। ग्रीन इज अ स्मॉल प्लेस एंड वी हैव लाइक वेरी लेस फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो एजुकेशन एंड दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट केम टू आवर माइंड दैट बेसिकली देयर शुड बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीडी, दोज हु आर लीविंग द टाउन एंड गोइंग आउटसाइड फॉर यू नो स्टडीज, देयर हायर स्टडीज एंड देयर एजुकेशन। I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, you know, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.